नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइज, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक पॉकेट साइज प्रिंटर की। और गाइज, इसके पहले हमने हमारे चैनल पे पॉकेट साइज प्रिंटर की अनबॉक्सिंग की थी, बट गाइज वो जो प्रिंटर था वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर था और उसकी प्राइस रेंज थी अप्रॉक्सीमेटली 2300 रुपीज़। और तभी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार ऐसा प्रिंटर की अनबॉक्सिंग करो जो कम प्राइस में आपको कलर प्रिंट अवेलेबल कर दे। सो गाइज, तभी मैंने बोला था कि इंडिया में भाई जितने भी सारे कलर प्रिंटर्स अवेलेबल है कॉम्पैक्ट साइज प्रिंटर, वो सारे 7-8 हज़ार के ऊपर ही है। और गाइज, उसमें भी सबसे बड़ा होल्ड है HP के स्प्रॉकेट प्रिंटर्स का। सो जो स्प्रॉकेट प्रिंटर है या फिर स्प्रॉकेट प्लस जो प्रिंटर है, ये सारे प्रिंटर्स आपको 8,000 रुपए की प्राइस रेंज के ऊपर ही मिल जाएंगे। बट गाइज, 2-3 दिनों से पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है, अमेजोन पे स्प्रॉकेट प्रिंटर जो HP का स्प्रॉकेट प्रिंटर है वो आपको मिल रहा है सिर्फ 3,500 रुपीज़ का। मतलब आप सोचो, 8,000 का प्रिंटर आपको सिर्फ मिल रहा है 3,500 का, और स्प्रॉकेट प्लस जो प्रिंटर है वो आपको मिल रहा है सिर्फ 4,000 रुपीज़ का। सो गाइज, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से जल्दी उसे परचेस किया, क्योंकि कलर साइज कॉम्पैक्ट प्रिंटर अगर आप अली एक्सप्रेस पे भी देखोगे तो इतने कम प्राइस में आपको अवेलेबल नहीं मिलने वाला है। और इसके लिए मैंने परचेस किया HP का स्प्रॉकेट प्रिंटर। और गाइज, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। गाइज, ये हमें पड़ा है एग्जैक्ट 3,500 रुपीज में। तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कैसा ये प्रिंटर। सो ये है उसका एक्चुअल बॉक्स, और बॉक्स के आगे की तरफ यहाँ पे वो एक्चुअल प्रिंटर आपको देखने मिलता है। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस और MRP। सो ये है वो एक्चुअल प्रिंटर, और यहाँ पे आगे की तरफ आपको HP की ब्रांडिंग दी है, नीचे की तरफ लिखा है स्प्रॉकेट, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको देखने मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, इसे चार्ज करने के लिए एक LED लाइट इंडिकेटर और एक स्ट्रैप टाई करने के लिए एक स्लॉट। यहाँ पे साइड में आपको देखने मिलता है पावर ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है ट्रे जिसमें से जो प्रिंट है वो बाहर आएगी। और ज़्यादा इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, पीछे की तरफ बस उसकी वेबसाइट दी है। और यहाँ पे ऊपर का जो कंपार्टमेंट है कुछ इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है फोटो पेपर जो बॉक्स के अंदर इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको फोटो पेपर्स इसमें लोड करने हैं, और फिर जो ऊपर का पैनल है उसे क्लोज करना है। सो गाइज, अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन, और जैसे हम इसे पावर ऑन करते हैं यहाँ पे व्हाइट कलर की LED लाइट इंडिकेट करती है ये पावर ऑन हो चुका है। और गाइज, यहाँ पे जो HP स्प्रॉकेट का एप्लीकेशन है उसे हमने डाउनलोड किया है। और गाइज, यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट किया, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक इमेज मैंने लोड किया है। सो बेसिकली आप इस इमेज को एडिट कर सकते हो, हर एक कलर में जो भी चीज़ें चाहिए आप एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, प्लस इसका जो भी कॉन्ट्रास्ट वगैरह है हर एक चीज़ आप चेंज कर सकते हो। और गाइज, चेंजेस होने के बाद यहाँ पे जब भी हम फर्स्ट प्रिंट देते हैं तो यहाँ पे एक ब्लैंक शीट आती है बाहर जो ब्लू कलर की है। और गाइज, अभी हम देते हैं सेकेंड प्रिंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट आ चुकी है गाइज, और काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कलर प्रोडक्शन दिया है इस प्रिंटर ने, और आप देख सकते हो काफ़ी हद तक सिमिलर कलर्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। और गाइज, ये जो पेपर है आप देख सकते हो ग्लॉसी है, और प्लस इसकी जो इंक है वो भी नहीं निकलती है जैसे आप इसको रब करते हो, प्लस पीछे की साइड आपको देखने मिलता है पील ऑफ पेपर जिसकी हेल्प से आप इसे इजीली कहाँ पे भी स्टिक कर सकते हो। और गाइज, ये है वो फोटो पेपर्स, आपको 20 फोटो पेपर्स 496 रुपीज़ के अवेलेबल मिल जाएंगे। और प्लस ये जो HP स्प्रॉकेट है आप देख सकते हो 3,500 रुपीज़ का अवेलेबल है। आप देख सकते हो ऊपर मैंने इसे परचेस किया है, और जो HP का स्प्रॉकेट प्लस प्रिंटर है वो सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। सो गाइज, ये काफ़ी बढ़िया ऑफर यहाँ पे दी है। और गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है HP का फोरम जिसमें मेंशन किया है कि इस प्रिंटर को कोई भी इंक रिफिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें जो पेपर यूज होता है वो बेसिकली कलर पेपर होता है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा इस HP स्प्रॉकेट प्रिंटर का अनबॉक्सिंग, गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि कम्प्लीटली न्यू सील पैक बॉक्स यहाँ पे हमें रिसीव हुआ था, और अनयूज प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है, क्योंकि मुझे नहीं एक्सपेक्ट था कि मतलब 3,500 रुपीज़ की प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। और गाइज, यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी बैटरी लाइफ की। सो गाइज, इसमें है 500 mAh की बैटरी जो अप्रॉक्सीमेटली 50-60 फोटो क्लिक कर सकते हैं ऑन अ सिंगल फुल चार्ज। सो गाइज, बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया है, प्लस इसमें जो पेपर यूज़ होता है वो एक अलग टाइप का पेपर है, जैसे कि कार्बन पेपर होता है जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट के लिए यूज़ होता है थर्मल प्रिंटर्स में। सो ये भी बेसिकली एक थर्मल प्रिंटर है, और इसमें जो पेपर यूज़ होता है वो बेसिकली RGB कलर कॉम्बिनेशन का कुछ पेपर होता है, उसके लिए वो थोड़े से महंगे हैं, मतलब 20 फोटो पेपर्स आपको मिल जाएंगे
500 रुपीस की प्राइस में। सो गाइज मेरे हिसाब से 3500 के लिए एब्सोल्युटली ये गाइज वर्थ है, क्योंकि मैंने देखा अली एक्सप्रेस पे भी जो कलर प्रिंटर्स अवेलेबल थे, कॉम्पैक्ट साइज कलर प्रिंटर, वो भी आपको 8-9 हज़ार रुपये की प्राइस में अवेलेबल थे। और गाइज ये भी एक्चुअली 8 से 9 हज़ार की प्राइस का ही है, और पता नहीं यहाँ पे अमेज़ॉन पे 3500 का बिक रहा है। सो जल्दी से जल्दी, मैं तो बोलता हूँ अगर किसी को परचेस करना है तो जल्दी से जल्दी परचेस कीजिए। और गाइज इसमें जो स्प्रॉकेट प्लस प्रिंटर है वो आपको मिल रहा है 4000 रुपीस की प्राइस में, और उसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि बस उसका जो फोटो साइज है वो थोड़ा बड़ा है, इसका छोटा है, दैट्स इट, यही डिफरेंस है और 500 रुपीस का डिफरेंस है। सो गाइज दोनों भी प्रिंटर्स काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी इंस्टेंट प्रिंटिंग है इसकी, और जो ऐप कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सो गाइज मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया ये प्रिंटर है, और अगर किसी को इसे परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। सो गाइज बस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।